हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रिक्रूटमेंट आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक नवरत्न कंपनी है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट रिलीज़ हो रही है, जैसे रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, और यहाँ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर की इसकी परमानेंट बेसिस पे रहने वाली है फ्रेंड्स। तो इस नोटिफिकेशन को हम ओपन करने वाले हैं, डिटेल नोटिफिकेशन हम इसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट डेट जो है 23 जून रहने वाली है फ्रेंड्स। तो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। 11 पोस्ट रिलीज हुई है प्रोबेशनरी इंजीनियर की ऑन परमानेंट बेसिस फॉर इट्स पुणे यूनिट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोस्ट कोड जो है E2 रहने वाली है, डिसिप्लिन MSc या MTech फोटोनिक्स और अप्लाइड ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट रिलीज हुई हैं। इसी तरह ME MTech लेज़र ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिकल इंजीनियरिंग विद BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड वाले एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, नील लिखा हुआ है, एज 25 ईयर्स बताई गई है। और इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं ME MTech लेज़र फोटोनिक्स ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिकल विद फिज़िक्स बैकग्राउंड वालों के लिए है, 2 पोस्ट है फ्रेंड्स, जो कि 27 ईयर्स एज लिमिट बताई गई है इनकी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीनियर इंजीनियर E3 में, जहाँ पे BE BTech या फिर ME MTech, तो यहाँ पे BTech वाले एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। 2 पोस्ट रिलीज हुई हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं 4 to 5 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगी गई है इसमें। इसी तरह नेक्स्ट BE BTech या ME MTech मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 और 3 पोस्ट रिलीज हुई हैं फ्रेंड्स। 32 ईयर्स एज लिमिट बताई गई है। कैंडिडेट हुज डिसिप्लिन और स्पेशलाइजेशन इन दियर रेलिवेंट डिग्री सर्टिफिकेट डू नॉट टैली विद दी डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन प्रिस्क्राइब इज अबव विल नॉट बी कंसीडर फॉर सेलेक्शन इज रिलैक्सेशन, आपको एज पर गवर्नमेंट रूल मिल जाएगा फ्रेंड्स। OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 ईयर्स, ST वालों के लिए 5 ईयर्स, और PWD और डिसेबल पर्सन 40% 10 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा फ्रेंड्स। प्रोबेशनरी इंजीनियर कैंडिडेट शुड हैव कम्प्लीट MSc या MTech इन फोटोनिक्स अप्लाइड ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मांगी गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कैंडिडेट शुड हैव कम्प्लीट ME MTech इन लेज़र या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, सीरियल नंबर 2 वालों के लिए है। Further preceding graduate degree shall be BE BTech in electronics with first class for unreserved OBC WS candidates and ST PWD candidates should have secured past class. SC candidate will be considered on part with unreserved category. Serial number 3 में जो है ME MTech in laser photonics opto electronics optical engineering में qualification मांगी गई है friends. Degree shall be in physics background होना चाहिए। Senior engineer E3 वालों के लिए BE BTech ME MTech फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ME MTech फ्रॉम रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, और रेलिवेंट ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर विल नॉट बी कंसीडर रेलिवेंट, तो ये बता दी गई है। इसी तरह सीरियल नंबर 5 में मैकेनिकल वालों के लिए है फ्रेंड्स, BE BTech ME MTech वाले एलिजिबल रहेंगे, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड, नहीं किए जाएंगे फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट, द डिग्रीज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और प्रोबेशनरी इंजीनियर वालों के लिए आप लोग देख सकते हैं पे स्केल 40,000 से लेके 1,40,000, यानी 3% आप लोग अलाउंस वगैरह, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी बेसिक पे एज पर कोई साइट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड पे PRP ग्रुप इंश्योरेंस मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी फ्रेंड्स। ये पे स्केल है और आप लोगों का इंश्योरेंस और अलाउंस वगैरह ये सारी चीज़ें मिला के काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाएगी फ्रेंड्स। इसी तरह पोस्ट नंबर 23 वालों के लिए यही सेम रहने वाला है, 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेगा इन्हें। इसी सीनियर इंजीनियर वालों के लिए 50,000 से 1,60,000 रहना है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन एडिशन टू बेसिक पे अदर अलाउंस लाइक डियरनेस, हाउस रेंट 35% ऑफ द बेसिक पे एज पर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। नेक्स्ट जो है E2 ग्रेड वालों के लिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डिज़ाइन सिमुलेशन एंड एनालिसिस ऑप्टिकल सब सिस्टम फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, लेजर सिस्टम्स, फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स। इसी तरह बहुत सारी
पोस्टें जो हैं रिलीज हैं आप लोग देख सकेंगे फ्रेंड्स में। क्वालिफिकेशंस तो सब चीज़ डिस्कस कर चुका मैं, अब यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा आप लोगों का। तो सिलेक्शन विल बी थ्रू अ रिटन टेस्ट, आप लोगों का टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू ऑफ ओनली दोज कैन हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट इन द रेशियो 1:5 का रहने वाला है। 150 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट आप लोगों का होगा। डोमेन से एंड जनरल एप्टीट्यूड, जनरल OBC EWS कैन शेल्फ सिक्योर 35%, तो यहाँ पे बताई गई है शायद 30% जो स्पेशल कैटेगरी हैं। इसी द कॉल लेटर्स विल बी सेंड टू द ईमेल आईडी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग द रिटन टेस्ट। BEL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अनाउंसिंग ऑफ एनी ईमेल सेंड टू द कैंडिडेट। और यहाँ पे अप्लाई जो है आप लोगों का इनके ऑफिशियल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द फुली ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है हार्ड कॉपी SPI कलेक्ट रेफरेंस नंबर रिसिप्ट अलॉन्ग विद द फॉलोइंग सेल्फ एड्रेसेस फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाई स्पीड पोस्ट के थ्रू इस एड्रेस पे एडिशनल जनरल मैनेजर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड NDA रोड पाशांत पुणे महाराष्ट्र 23rd of June से पहले पहले आप लोगों को भेज देनी है। और विल नॉट बी कंसीडर फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, अगर 23 June के बाद अगर सेलेक्ट होता है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। एनवेलप शैल बी सब्सक्राइब विद पोस्ट कोड अप्लाइड फॉर एंड सेंडर्स नेम एंड मोबाइल नंबर एंड सेंड टू द बिलो मेंशन एड्रेस। इन सारे एड्रेस पे आप लोग भेज सकते हैं फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट टू अटैच अलोंग विद एप्लीकेशन हार्ड कॉपी ये भी होना चाहिए आप लोगों के लिए। और यहाँ एप्लीकेशन फ़ी जो है आप लोगों के 708 प्रोबेशनरी और सीनियर इंजीनियर की कैन बिलोंग टू SC ST NPW के आर एग्जाम्प्टेड, इन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी शुड बी रिपीटेड थ्रू SBI कलेक्ट के थ्रू आप लोग कर सकते हैं रेफरेंस जनरेट करने के बाद। एप्लीकेशन फी पेड फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज बाई अदर यूनिट्स ऑफ BEL विल नॉट बी कंसीडर, कैन शुड गो थ्रू ऑल इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोग वो 23rd of June से पहले पहले ज़रूर से अप्लाई कर देना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।